हाँ विकास करेंगे जैसे टूटी उटी सड़क है ये सब का काम करवाएगी ऐसे बोले तू लपर लपर कर रही है। सारी जनता मेरे साथ है, अच्छा माहौल है, पांचों गांवों में अच्छी सपोर्ट चल रही है। अलमारी मेरा चुनाव चिन्ह है, पांचों गांवों की पूरी जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतूंगी। लोगों ने मुझे ही चुना है और लोगों का समर्थन करूंगी मैं, लोगों की सहायता करूंगी। अगर चुनाव जीत जाऊंगी तो हमारे गांव में पानी की प्रॉब्लम है, इसको जैसे पानी की समस्या है, जैसे सड़कों की समस्या, कभी कहीं कच्चा रास्ता या हम पक्का करवा देंगे, मड़वा डलवा देंगे और सभी भाई की वो करेंगे मदद। राजनीति में सर हम इसलिए आए हैं, हमारा जो ये इलाका है, जो हमारी पंचायत है, जो हमारी दोनों पंचायत है सैमला और दोंगड़ी सैमला खुर्द, इसमें हम विकास करवाना चाहते हैं, इसकी जनता को सारी सुविधा देना चाहते हैं हम। जो भी इसमें खामियां हैं, सड़क, पानी, बिजली या कोई जनता का कोई पंचायत समिति से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, हम यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारी पंचायत समिति में जाकर उनकी आवाज़ को वहाँ आवाज़ बनाकर हम उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ जाएंगे हमारे पंचायत समिति में, उनके हर सवाल का वहाँ से जवाब लेकर आएंगे और हमारी जनता को हम सारा सुख देना चाहते हैं। हमारे जो ये दोनों वार्ड नंबर 11 में दोंगड़ी पंचायत और सैमला खुर्द पंचायत के जितने भी भाई, जितने भी बहन जो हमारे साथ हैं, जो हमको वोट कर रहे हैं, सारी जनता हमको वोट करेगी, हम सबका साथ और सबका विकास ये हमारा प्रोपेगेंडा है, इसको लेकर चलेंगे हम। तो कौन सा निशान है आपका? हमारा निशान अलवारी का निशान है, अलवारी का। और भी चुनाव मैदान में है और प्रत्याशी भी है, उनका है कुछ यहाँ पे? हाँ, हमारे यहाँ 8 प्रत्याशी हैं। हम सबको, जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे अलावा 7 प्रत्याशियों को हम अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। हम किसी भी प्रत्याशी को ये नहीं समझते कि ये कमजोर है, ये हमारे पक्ष में, ये हमारे टक्कर में नहीं है। हम सबको अपने टक्कर में लेकर और सबको पछाड़ना चाहते हैं, सबको। ये नहीं, किसी प्रत्याशी को कमजोर नहीं समझ रहे हैं हम कि ये प्रत्याशी कमजोर है, ये वोट नहीं उठाएगा या ये इसको वोट नहीं मिलेगा। हम तो सबको बराबर समझते हैं और हमारा लक्ष्य है जीत, 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 जीत। अच्छा, अल्लाह संदेश देंगे लोगों को आखिर में, संदेश तो देंगे क्या? 26 तारीख को है मतदान, 23 तारीख का, 23 तारीख को। हम तो जनता से ये कहना चाहते हैं, जितना भी सारे भाइयों से जितना भी हमारा सहयोग बन सके हमें वोट करें और हमें अपना जनप्रतिनिधि चुने जो हम उनकी आवाज़ को अपनी पंचायत समिति में लेकर जाएं। मेरा नाम हरितिलाल है। हरितिलाल क्या करते हैं आप? बस काम तो मेरा लकड़ी का है। लकड़ी का काम है आप? हाँ, हाँ, वैसे मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, जिला सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का। ऐसी नहीं दिलाया फिर इसको बर्फीना टिकट इसलिए नहीं मिला कि यहाँ पर 7 उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं मैदान में, तो पार्टी इसको टिकट नहीं दे ना पाएगी कि सभी मुसलमान हैं, मियों के लिए होता है, वो उसके बुरे मानते, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, नहीं दिया। तो फिर क्या है अब? अब क्या है कि किसके समर्थन में हम तो अभी कन्हा में अपनी सब गूंगी बजा रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे, चुनाव के जो प्रक्रिया लेके चल रहे हैं, तो बहुमत तो इनका ही बनेगा, इसका, ये फरमीना का। फरमीना का आप समर्थन कर रहे हैं, टिकट आपने दिलाया नहीं, अब और प्रत्याशी नहीं होंगे नाराज, अब नहीं होगा कांग्रेस का नुकसान? नहीं, कांग्रेस का नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो नेताजी तो हमने तो यही कहा कि आप जीत के आ जाओ, हम किसके किसके लिए टिकट देंगे? नहीं, आप तो समर्थन कर रहे हैं नेताजी, है ना? हाँ, आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का, इसको तो नुकसान नहीं होगा और नाराज नहीं होंगे जनाब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि समर्थन का मतलब गांव का छल जो पड़ेगी, तो इस टाइम तो बहुमत इसका ही दिख रहा है मुझे। चलिए, ये थे हमारे साथ, क्या नाम? हरितिलाल। हरितिलाल जी, इन्होंने, ये कांग्रेस के जिला सचिव हैं और इन्होंने समर्थन इसको दिया हुआ है, बर्फीना को, क्या नाम इसका? फरमीना को समर्थन दिया हुआ है। और यहाँ से वार्ड नंबर 11 से जनता है और ये जनाब अपने वक्ते में सारी बात इन्होंने रखी थी। 30 तारीख को मतदान होगा और यहाँ 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, है ना? यहाँ पे रोचक मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहाँ सारे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कोई भी कांग्रेस के टिकट का दावेदार नहीं है। चलिए, 23 तारीख को मतदान होगा और 29 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी, मतगणना होगी। मतगणना के बाद में तस्वीर साफ होगी क्या रिजल्ट आएगा निकल के। बने रही हमारे साथ।